हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे आज क्या कहना चाहते हैं, हम पूरी तरीके से आज की इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं। ठीक, सो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। सो याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी हो रही है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सब। अपनी फैमिली बनेगी तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से रीडिंग कर पाएंगे। और मैं बहुत ही जल्द, ठीक है, अगर हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बढ़ जाती है तो मैं फ्री रीडिंग भी आऊंगी किसी दिन लाइव और आप लोग के लिए करूंगी। अभी तो फिलहाल हमारी फैमिली बहुत छोटी है, सो इसको बहुत छोटी से बहुत बड़ा बनाने में आपका योगदान रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये योगदान अपना जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओहो, ठीक है, मुझे अंजलि नाम चैनल हो रहा है। अंजलि आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है अंजलि। एंड नंबर 4 का कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा 4 से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि 444 हो गया और भी बहुत सारे नंबर है, 1414 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे। ठीक, सो यहाँ पे ओपन अप का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीडिंग करेंगे। देखेंगे हम कि आपके पर्सन आखिर आपसे आज क्या कहना चाहते हैं, और जो भी मैं बोलूंगी, ठीक है, आपको यही सोचना है कि आपके पर्सन वो आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, सो आपको बहुत ही गौर से सुनना है मेरी सारी बातों को जो भी मैं बोलूंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वैंड्स, ना 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 ना। चलिए मेजर, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सीक द ट्रूथ का कार्ड है। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम, नंबर 5, 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, एंड चूज योर बैटल्स। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं बोलूंगी आपके पर्सन वैसे बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे सुनना है आपको। ओके, सो मेरी जान, कैसे हो सबसे पहले आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारी कुछ बातें, बहुत सारी अपने दिल की बातें कहना चाहता हूं आपसे। मुझे पता है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको चीट किया है, मैंने आपको धोखा दिया है, दगाबाजी की है आपके साथ, आपको आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा भी, लेकिन मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है कि मैंने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दी, आपके विश्वास के साथ खेला, अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाया। मेरे दिल में जो चल रहा था वो मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने अपने दिल में चल रही बहुत सारी बातों को आपसे छुपाया, बहुत सारी बातों को। मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आपने अपने घर में भी बात की मेरे से, लड़ाई भी की कई लोगों से मेरे लिए,
मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते आए, हमेशा, चाहे कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी मुश्किल आई, लेकिन आपने मेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं, हमेशा मुझे फील करवाया, स्पेशल फील करवाया, एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त की तरह, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन की तरह मुझे आपने ट्रीट किया। लेकिन मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपके साथ धोखा दिया, मैंने आपको चीट किया, मैंने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई हमेशा ही। अब हम दोनों अलग हो चुके हैं, अब आप भी कहीं हो और मैं भी कहीं हूं, यादों में आप भी जीते हो, यादों में मैं भी आपके जीता हूं। मैंने अचानक से जो डिसीजन लिया था ना, काफी ज्यादा भद्दा डिसीजन, काफी ज्यादा गलत डिसीजन था। अचानक से पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया क्या नहीं आया, मैंने अचानक से जो आपके लिए डिसीजन ले लिया कि अचानक से आपसे लड़ाई कर ली। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, प्यार मैं करता हूं, लेकिन एक मेरे साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है मेरी फैमिली, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली चाहती है कि वो मेरी शादी कहीं और करवाए, बहुत ही धूमधाम से शादी करे, मेरे कास्ट में करे, और या जिससे जिसे वो लोग मेरे लिए पसंद कर रहे हैं उससे मेरी शादी हो, मैं उसके साथ रहूं, अपनी जिंदगी स्पेंड करूं। और मेरी मजबूरी यही है कि मैं जो है उनके इस रिलेशनशिप को, या कहें तो मैं उनके रिश्ते के आगे मैं अपना रिश्ता कुछ नहीं समझता, मैं आपको कुछ नहीं समझता, मैं क्लियर बता रहा हूं, क्लियर। आप मेरे लिए हो, दिल में स्पेशल पर्सन हो, लेकिन मेरी फैमिली भी मेरे लिए है। मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली को दुखी नहीं कर सकता। मैं जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स रखता हूं आपके लिए, अक्सर रातों में जगता हूं, नींद नहीं आती है, देर रात तक जगता हूं, नींद नहीं आती है मुझे, चांद सितारों से बातें करता रहता हूं, मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें इस तरीके से आती हैं जैसे कि क्या हो गया है मुझे, मुझे खुद समझ में नहीं आता क्यों मैं इतना ज्यादा सोचता हूं, उलझनों में इस तरीके से क्यों उलझता जाता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, वेट कर रही हो, लेकिन कभी लगता है कि नहीं, कहीं मूव ऑन हो गई होगी। मैं आना तो बहुत चाहता हूं तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे, बहुत ही ज्यादा। मेरे दिल की धड़कनें जो है ना, एकदम से तुम्हारे नाम से ही धड़कने लगती है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि अक्सर तुमसे बातें नहीं होती है ना, दिल के अरमान पूरे नहीं होते, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अपनी फैमिली को भी देखना होता है मुझे। जिन्होंने जन्म दिया मुझे, मैं उनको खुश नहीं रखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि मैं सेल्फिश हूं, मैंने तुमसे झूठ बोले हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं। मेरी फैमिली ने तो लड़की देखना, लड़का देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने वो तुमसे छुपाया, मैं खुल के नहीं बता पाया तुमसे कि हाँ मेरे लिए और भी रिश्ते देखे जा रहे। पता चला होगा तुम्हें बाद में किसी और से, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूं ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी ये चीजें है, ठीक है। मेरे दिल में, मेरे दिल की धड़कने जो है तुम्हारे लिए धड़कती हैं, और तुम्हारे लिए धड़कती हैं और धड़केंगी, क्योंकि मैंने जो है तुमसे ट्रू लव किया है। मुझे लगता है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन जरूर है। तुम ध्यान देना, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं। हम दोनों दूर हो, पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं। क्योंकि मैं आज भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी लाइफ में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फील करता हूं, बहुत 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 ज्यादा फील करता हूं। और आज मैं
बहुत ज्यादा तन्हा भी था, बहुत ही ज्यादा तन्हा था, लेकिन मेरी तन्हाई का साथ देने वाला भी कोई नहीं था। मैं तो अपने में ही उलझा हुआ था। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि डिप्रेशन में चला जाऊंगा, इतना ज्यादा थिंकिंग करता हूं। ये सब मेरे ये बचकानी हरकतों की वजह से हुआ है। मैं पागल हूं, मैं ऐसा पर्सन कैसे हो सकता हूं। मैं अपने प्यार के साथ सेक्रीफाइसेस कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं जो कि बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। मुझे एकदम से बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ही ज्यादा, कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हम दोनों चाहे एक हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआएं मांगूंगा। खुशियां तुम्हारे कदम चूमे, मैं हमेशा यही चाहूंगा तुमसे। ईश्वर करे कि तुम जहां भी हो खुश रहो। हम दोनों का मिलना हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जरूर होगा, मुझे भरोसा है। मैं भी जानता हूं कि जिसके साथ भी मेरी शादी होगी या जिसके साथ मैं रह रहा हूं अभी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे पता है। और कभी कभी जो होती है ना कि खुशियां जो है ना, हमें हमारा ईश्वर जरूर देता है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो टूटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के हैं और हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि पहले करता था। आज भी तुम्हारे बारे में उतना ही सोचता हूं जितना कि पहले सोचता था। अपने आप को बिजी जरूर रखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे, पता नहीं हो सकता है कि ये आखिरी बार हो जो कि मैं अपने दिल की बातें कह रहा हूं तुमसे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूं, और शायद जिंदगी भर करता रहूंगा। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग, जो कि मुझे चैनल भी हुआ कुछ चीजें, और कुछ चीजें कार्ड में नजर आई जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।